हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम से लेके आए हैं जो हमारे DSSB एग्जाम आने वाला है और उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र अपने कार्य किन तरल पदार्थों के माध्यम से पूरा करता है? तो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है तो वो किसके माध्यम से कार्य को पूरा करता है? ब्लड तथा लिम्फ्स, रक्त तथा लसिका के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो इसका मेन जो अंग है, ऑर्गन है, वो है हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त का परिभ्रमण मुख्य रूप से किन नलिकाओं के माध्यम से होता है? तो वो है हमारी धमनी तथा सिराए, आर्टरी और वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के दो मुख्य भाग है, रक्त के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारे मुख्य कार्बनिक पदार्थ हैं प्रोटीन, विटामिन्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, यूरिया और यूरिक एसिड। प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन सी है? तो प्लाज्मा में घुलनशील जो प्रोटीन्स है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं? तो जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ है वो है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो शरीर की किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? पल्मोनरी आर्टरी। धमनी में बहने वाला रक्त होता है, तो धमनी में बहने वाला रक्त कैसा होता है? शुद्ध, लाल तथा चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो कौन सी सिरा में बहता है? पल्मोनरी वेन्स में। रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? वो है हमारा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ष तक के शिशु की नाड़ी दर पल्स रेट कितनी होती है? तो वो होती है 120 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय तथा छोटी आंत की लसिका वाहिनियां लिम्फेटिक डक जो होती है उसको क्या कहते हैं? लेक्टियस। लिम्फेटिक डक को क्या कहते हैं? लेक्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रक्त के प्रकार मतलब की ब्लड ग्रुप का सबसे पहले किसने पता लगाया? तो वो उसका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भावस्था में तथा 6 महीने तक के नवजात के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो नवजात के शरीर में होता है, जो 6 महीने का नवजात होता है और गर्भावस्था में होता है, स्प्लीन में होता है तथा बाद में जो होता है वो बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग के। हीमोफीलिया रोग जो होता है वो वंशानुगत होता है, मतलब कि हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के अंदर रक्त के जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त को कौन जमने से रोकता है? वो है हिप्रीन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिप्रीन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो हिप्रीन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा का जो भाग होता है हमारे ब्लड में 55 से 60% होता है और बाकी जो होता है वो ब्लड सेल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीसीज का कब्रिस्तान किसको कहा गया है? तो आरबीसीज का कब्रिस्तान किसको कहा गया है? पलीहा, स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापक्रम पर सुरक्षित रखा जाता है? तो वो है हमारा 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 24, आरएच फैक्टर संबंधित है, आरएच फैक्टर किससे रिलेटेड है? हमारे ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लैंड स्टीनर तथा वीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त का पीएच मान होता है 7.4।
सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अध्ययन किया है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 30, कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। और आज हम वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, उसका आंसर हमें आपको हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्लीज वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।